हेलो रिवान मैं जया स्वागत करती हूँ लाइट हाउस सोल्स में आपने पिछले मेरे वीडियो में समझा होगा कि एनर्जी सर्कल्स क्या होते हैं अब इस वीडियो में मैं पहले आपको बताऊंगी मेन कलर्स फॉर ईच एनर्जी एंड क्वालिटी और फिर बताऊंगी मेन एनर्जीज़ एंड क्वालिटीज़ फ़ॉर ईच कलर ठीक है कन्फ्यूज मत होगा सबसे पहले हम आ जाते हैं कि यदि आपको प्रोटेक्शन के लिए चाहिए तो आप रेड और ब्लू ये कलर्स यूज़ कर सकते हैं ठीक है लव रिलेटेड आपको एनर्जी सर्कल्स के लिए यूज़ करना है तो रेड हो गया फुशिया हो गया ये कलर यूज़ कर सकते हैं एनर्जी वाइज पॉजिटिव एनर्जी आपको चाहिए है पॉजिटिव एनर्जी या पॉजिटिव लाइट चाहिए है तो वाइट येलो ये कलर्स यूज़ कर सकते हैं हेल्थ या फिज़िकल हीलिंग किसी तरह के भी चाहिए है तो ग्रीन पर्पल वाइट ये यूज़ कर सकते हैं फिर पीस सेरेनिटी चाहिए तो ब्लू और ग्रीन इनको यूज़ कर सकते हैं जॉय ब्लेस के लिए ऑरेंज और येल्लो ठीक है आप अबेंडेंस प्रोस्पैरिटी चाहिए तो ग्रीन और रेड यूज़ कर सकते हैं रोमांस चाहिए लव लाइफ कंपेनियनशिप इन चीज़ों के लिए आपको एनर्जी सर्कल्स बनाते बनाने हैं तो ऑरेंज और रेड कलर यूज़ कर सकते हैं फिर गुड वाइब्स पॉजिटिविटी या एनलाइटन रिलेशनशिप्स चाहिए तो ऑरेंज और ग्रीन तो, इनको यूज़ कर सकते हैं फिर ब्यूटी हो गया यूथफुलनेस हो गया हेल्थ हो गया बॉडी वाइज हो गया या वेट वाइज आपको एनर्जी सर्कल्स बनाना है तो सिल्वर और येलो इनको यूज़ कर सकते हैं फिर क्लिनजिंग क्लियरिंग एनर्जीज या इन्फ्लुंसिस के लिए आपको यूज़ करना है तो रेड सिल्वर और गोल्ड इन तीनों कलर्स का यूज़ कर सकते हैं फिर किसी भी तरह के नेगेटिव हैबिट्स को ओवरकम करना हो या डिपेंडेंसीज को हटाना हो तो आप ऑरेंज येलो रेड और ग्रीन इन कलर्स को यूज़ कर इनमें से कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं फिर इमोशनल हीलिंग चाहिए हो तो ग्रीन ब्लू और येलो इन तीनों में से कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं फिर आपको यदि गाइडेंस चाहिए हो ठीक है या कोई डिसीजंस में आपको हेल्प चाहिए हो उसके लिए आप एनर्जी सर्कल्स बना रहे हो तो पर्पल वायल्ट और गोल्ड इन तीनों में से कोई भी कलर बना सकते हैं फिर आपको यदि विजडम या एनलाइटनमेंट के लिए यूज़ करना है तो गोल्ड येल्लो पर्पल या वायलेट इन चारों में से कोई भी कलर्स यूज कर सकते हैं अब मैं आपको बताऊंगी मेन एनर्जीज एंड क्वालिटीज फॉर ईच कलर्स ठीक है हर एक कलर की क्या क्या क्वालिटीज़ होती है आप उस पर आते हैं जैसे रेड कलर है ठीक है रेड कलर जो है फायर हो गया प्रोटेक्शन हो गया प्यूरिफिकेशन हो गया पावर हो गया अबेंडेंस ग्राउंडिंग इन सब रिले इशूज़ के लिए या रिले चीज़ों के लिए आपको चाहिए है आपके लाइफ में तो रेड कलर यूज़ कर सकते हैं फिर ऑरेंज कलर है फॉर वाइटैलिटी जॉय वर्क रिलेशनशिप्स रोमांस फिर येल्लो आता है फॉर नॉलेज विजडम स्ट्रेंथ बैलेंस कॉन्फिडेंस और हैप्पीनेस ठीक है उसके बाद आता है ग्रीन ग्रीन किस चीज़ के लिए Emotions, health, है इमोशंस फिजिकल हेल्थ अबंडेंस ठीक है टकॉइस हो गया चाइल्डिशनेस ठीक है या क्रिएटिविटी प्लेफुलनेस जॉयनेस जॉय जॉयफुलनेस ठीक है फिर आता है ब्लू ब्लू इज फॉर ट्रांक ट्रैंक्वेलिटी पीस फ्रीडम एक्सप्रेशन कम्युनिकेशन इन सब चीज़ों के लिए ठीक है पर्पल आता है फॉर माइंड इंट्यूशन क्लैंस स्पिरिचुअलिटी स्पिरिचुअल हीलिंग ऑफ एनी काइंड देन वाइलेट कम्स फॉर स्पिरिचुअल हीलिंग प्योरिफिकेशन स्पिरिचुअल लव एंड गाइडेंस फिर आता है वाइट वाइट इज़ फॉर लाइट एनर्जी ऑफ लाइफ वाइटालिटी एंड प्योरिटी पिंक इज़ फॉर लव एंड केयर फिर सिल्वर आता है फॉर ग्राउंडिंग बैलेंस ब्यूटी एंड यूथफुलनेस फिर गोल्ड काम्स फ़ॉर हाइएसट कॉन्शियसनेस एंड सुप्रीम एनर्जी सोल और स्पिरिट लेवल पे आपको एनर्जी सर्कल्स बनाने हो हो से कुछ गाइडेंस चाहिए या divine love, wisdom, power, इन के लिए इनकी जो प्रॉपर्टीज आप देखेंगे तो हर एक चक्रावाइज भी काफी कुछ रेजोनेट करती है सो विच एवर वे आप रेजोनेट करें आप इनको यूज कर सकते हैं आप चाहे तो क्रिस्टल्स के, के साथ यूज कर सकते हैं जीवो सिंबल्स के साथ यूज कर सकते हैं हीलिंग कोड्स हैं उनको भी यूज़ कर सकते हैं सो प्लेफुली इनोवेटिवली आप एनर्जी सर्कल्स को यूज़ कर सकते हैं आपके लाइफ में अलग अलग चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के लिए